शर्मा जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कल को लेकर? चंद्रमोहन जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं पूछ रहा हूं कल को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि वो यात्रा निकालना चाहते हैं, संख्या प्रशासन बता दे। आपको क्या लगता है, यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं? देखिए आपका सवाल वाजिब है लेकिन उसका इशारा आपका गलत जा रहा है। कल की यात्रा का जवाब कांग्रेस देगी या उस स्टेट के अंदर जो सरकार चला रही है डबल इंजन की, वो जवाब देगी कि वो यात्रा निकलवाना चाहती है या नहीं निकलवाना चाहती? अरे मैंने आपसे आपकी राय पूछी भाई, सरकार को जो करना है वो करेगी। देश के अंदर सरकार भाजपा की है, आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। देश में सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है और वहां पर भाईचारा अमन सौदात खराब हुआ है, तो उसका जवाब कांग्रेस देगी, वहां पर सरकार नहीं देगी। खट्टर साहब लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नाकामी उनके सामने है, प्रशासन प्रतंत्र की फेलियर उनके सामने आया, खुफिया तंत्र ने रिपोर्ट दी कि पहले भी यात्रा नहीं होनी चाहिए, आज भी वर्ग कह रहे हैं कि यात्रा हो या ना हो ये दोनों पार्टियों को, दोनों समुदायों को बिठा के बात करी जाए। ठीक, ये अभी चैनल में आपके डिस्कशन भी हुआ, इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या करेगा? अरे चंद्रमोहन जी, आपकी सारी बातें ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ, अरे सुनिए भाई, मुख्यमंत्री गृह मैं मान रहा हूँ सवाल का जवाब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ। नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, संख्या प्रशासन बता दे। मैं पूछ रहा हूं, आपकी सारी बातें, आरोप सब ठीक है, मैं उसको सेकंड करता हूं भाई। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी राय क्या है, यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, एक हिंदुस्तानी होने के नाते किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की कोई भी यात्रा देश के अंदर चलनी चाहिए और उसको सुचारू तरीके से चला के नाते बोलिए ना, कांग्रेस के नाते नहीं निकलनी चाहिए। स्टेट की सरकार उसके गृह मंत्री और उसके मुख्यमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो तालमेल बना के प्रशासन से, खुफिया तंत्र से तालमेल बना के दोनों समुदायों को फिर दोबारा नूर जैसी ऐसी ना हो घटना, उसके लिए तालमेल बनाए, ना कि स्टेटमेंट के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट के ऊपर अरे आपकी पार्टी की भी तो कोई राय होगी शर्मा जी, नहीं है कोई राय नहीं है आपकी पार्टी की, स्टैंड है। आप विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में, कोई राय नहीं आपकी, या सिर्फ हिंसा ही भड़कानी है, या आपके विधायक विधानसभा में खड़े होकर के सिर्फ सरकार भड़काऊ भाषण नहीं देंगे और कोई काम नहीं करेंगे? करे एक धर्म की अनुयायी के अंदर दूसरे आपके विधायक विधानसभा में खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे, अगर डबल आप अपनी राय भी ना दे। मामन खान को चंद्रमोहन जी, दंगा हुआ चंद्रमोहन जी, अच्छा मैं आता हूँ मामन खान पर, सवाल पूछूंगा आपसे मामन खान पर। उससे पहले डॉक्टर दत्ता रुकिए, कांग्रेस विपक्ष, उससे पहले डॉक्टर दत्ता, अभी तक आप भूले नहीं कि आप डॉक्टर दत्ता कल की यात्रा तो देश की जनता ने आपको दे, चंद्रमोहन जी सीधे तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे यात्रा को लेकर। अजहरी साहब उसी के बहाने उनका बुलडोजर का दर निकलकर सामने आ जा रहा है। जो जवाब आप मांगेंगे राकेश जी वो थोड़ा मैं दे दूंगा, मैं वो जवाब दूंगा जो देश के हित में होगा, वो जवाब दूंगा जो पार्टी हित का होगा। मैं आपके हित का थोड़ा मतलब ये कहना कि यात्रा नहीं निकलेगी कांग्रेस पार्टी के हित में, ऐसा कह रहे हैं।